आज करने जा रहे हैं दोस्तों हम कैनन R8 का रियल फील्ड टेस्ट और देखते हैं कि उसके अंदर कैनन R8 पास होता है या फेल होता है। मैंने इसका एक वीडियो काफ़ी 4-5 महीने पहले बनाया था जहां हमने एक बेसिक टेस्टिंग करके देखा था, बट आज देखेंगे एक्चुअल में इससे हमें इमेजेस कैसे मिल रही हैं, इसकी वीडियो फुटेज हमें कैसी नज़र आती है, ओवरऑल इसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, वो सारी चीज़ों का आइडिया आज आपको इस वीडियो के बाद लग जाएगा और ये समझ आएगा कि क्या ये कैमरा आपके लिए है या नहीं, या किन लोगों के लिए इस कैमरा को बनाया गया है। पहली चीज़ जो दोस्तों निकल के आई है वो है दोस्तों इसकी कलर साइंस। अगर हम देखें रियल फील्ड टेस्ट में जहाँ मैंने डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में भी कुछ फोटोज़ लिए हैं, थोड़ी देर पहले धूप थी, फिर थोड़ी एकदम बादल आ गए यहाँ पे मुंबई में इस वक्त, तो हमें दोनों चीज़ का फ्लेवर मिला। और यहाँ पर एक चीज़ है मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, वो है दोस्तों इसके कलर्स। तो स्किन टोन की अगर हम बात करें तो आपको बहुत ही नेचुरल स्किन टोन्स मिल रहे हैं, नेचुरल कलर्स के साथ में आपको जो है ये फोटोज़ खींच के दे रहा है। सो R8 की जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगी वो लगी दोस्तों मुझे इसकी इमेज क्वालिटी। 24.2 मेगापिक्सल्स का कैमरा है, तो इसका जो सेंसर है जो अगर बात करें तो वो एग्जैक्टली आपको कैनन R6 Mark II वाला ही मिल रहा है, तो यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको इमेज क्वालिटी में नहीं मिलेगा। सो अगर आपका बजट R6 Mark II को खरीदने का नहीं है तो आई थिंक ये कैमरा वो आपकी सारी ज़रूरत पूरी कर देता है। अब दोस्तों जब हम एक्चुअल में रियल फील्ड पर जाते हैं अपने कैमरा को लेके, तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में हमें पता चलती हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स कहें तो वहाँ पर हमें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है कि ये कैमरा वाकई परफॉर्मेंस के मामले में कितनी आपकी हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर किसी भी कैमरा के एर्गोनॉमिक्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, फिलहाल मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, चलिए हम इसका EVF और इसका पीछे का स्क्रीन चेक करते हैं। तो मैं एक पत्थर की पिक्चर ले रहा हूँ, तो यहाँ देखिए मैं इस तरह से EVF अभी यूज़ कर रहा हूँ पिक्चर शूट करने के लिए, और मैंने एक पिक्चर लिया है यहाँ पे, तो आप देख रहे हो पत्थर का पिक्चर लिया मैंने, लेकिन जब मैं EVF के थ्रू जब देख रहा था अपने सब्जेक्ट को, तो यहाँ पर जो EVF है वो मुझे बहुत ही एवरेज नज़र आया, यानी कि कैनन R8 का जो EVF है वो मुझे कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगा। क्योंकि अगर इसकी हम प्राइस की बात करें खाली बॉडी की, तो 1,32,000 के आसपास इसकी ओनली कैमरा बॉडी है, तो इस प्राइस पॉइंट में 2023 में अगर हम बात करें तो इसका EVF हमें सिर्फ मिल रहा है 2.36 million का। अगर हम कंपेयर करें इसे कैनन R6 Mark II से, तो वहाँ पर आपको 3.6 million का जो है 69 million का आपको EVF मिल रहा है, जो कि इससे बहुत कहीं ज़्यादा बेटर है। अगर आप जैसे मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल का हूँ, पुराने टाइम का हूँ, तो मैं हमेशा पिक्चर्स जो है वो पीछे के स्क्रीन पे ना देख के जो है यूज़ करता हूँ EVF, जैसे कि DSLR में जो हमारा ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता था तो वो मैं मुझे काफ़ी हेल्प करता था। बट यहाँ पर अगर मैं पिक्चर ले रहा हूँ तो EVF की परफॉर्मेंस मुझे उतनी अप टू द मार्क नहीं लगी। अब बात करें अगर हम पीछे के स्क्रीन की, तो अभी थोड़ा शाम का समय हो गया है और जो धूप भी काफ़ी जा चुकी है, तो उसके बाद अगर मैं पीछे का पिक्चर देखना चाहूँ स्क्रीन पे, तो यहाँ पर पिक्चर मुझे उतनी क्लैरिटी के साथ में नज़र नहीं आ रही है, या तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी या कुछ और इंतज़ाम करना पड़ेगा, इट्स नॉट सो प्लीजिंग। तो यहाँ पर इसका जो आई थिंक 1.6 million का जो है ये आपको पीछे का इसका LCD वेरिएंट स्क्रीन मिल रहा है, जो आप इस तरह से जो है ब्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो खैर ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर आपको फ्लिप आउट स्क्रीन मिल रहा है। दूसरी चीज़, जब मैं शूट कर रहा था यहाँ पर इस तरह से, तो मेरा जो ये अंगूठा है आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा सर्च कर रहा था, यहाँ पर एक जॉयस्टिक होती तो अच्छा रहता, लेकिन वो जॉयस्टिक यहाँ पर मिसिंग है। तो अगर आपको अपने फोकस पॉइंट्स को चेंज करना है, फोकस को शिफ्ट करना है, तो वो थोड़ी सी आपको इसके अंदर दिक्कत महसूस होगी। बट चूंकि ये एक फुल फ्रेम कैमरा है जिस प्राइस पॉइंट पे आपको आ रहा है, और जो सेंसर जैसे कि मैंने आपको बताया कैनन R6 Mark II का आपको सेंसर इसमें मिल रहा है, आई लाइक द ग्रिप, डीप ग्रिप है इसकी, काफ़ी अच्छी है, लार्ज है ग्रिप कैमरा का, जो ओवरऑल इसका अगर हम बॉडी देखें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट, काफ़ी स्मॉल साइज़ में, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी इसकी अच्छी लगी। यहाँ पर आपको देख रहे हो तो माइक्रो HDMI आउटपुट इसके अंदर आपको मिल जाता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक मिनी हॉट शू पर मिल जाता है, तो वो भी इसमें एक अच्छा फीचर है। और उसके अलावा यहाँ पर आप बटन देख रहे हो, तो आप सीधा जो है अगर फोटो ले रहे हो तो फोटो पे, वीडियो ले रहे हो तो आप वीडियो पे, इस तरह से आप
जस्ट आप स्विच ओवर कर सकते हो। पीछे की अगर हम बटन्स की बात करें, अगर उस तरह का हम इसका डिज़ाइनिंग देखते हो, छोटी छोटी चीज़ें जो है, जैसे मैंने बताया जॉयस्टिक थोड़ी सी मिसिंग है, बैक बटन ऑटो फोकस आपको इसमें मिल रहा है, जो बटन है वो अच्छे से प्लेस किए गए हैं। सो ओवरऑल अगर मैं अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो बहुत अच्छे नहीं बोलूँगा, बहुत ख़राब नहीं बोलूँगा, एवरेज ही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी वीडियो कैपेबिलिटीज़ की। तो अब आप जो फुटेज देख रहे हो वो आ रही है कैनन R8 से, और जिस कैमरा पे मैं शूट कर रहा था सोनी A7S III वो मैंने अपने हाथों में ले लिया है, और मेरा जो DOP है इस वक्त वो कैनन R8 यूज़ कर रहा है, हैंड हेल्ड ही शूट कर रहा है। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक माइनस पॉइंट जब हम शूट करें तभी समझ में आ गया, वो है इसके अंदर कोई भी IBIS नहीं, यानी कि इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन इसके अंदर नहीं है, जो कि काफ़ी बड़ा मुझे एक माइनस पॉइंट लगा उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा रन एंड गन टाइप सिचुएशन में काम करते हैं। वैसे एक तरह से टेक्निकली पूछोगे तो अच्छा भी रहता है, अगर IBIS नहीं है तो आप आराम से जो है गिम्बल विम्बल यूज़ करिए लगा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आजकल जिस सिनारियो में लोग बाग कैमरास को यूज़ करते हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, बहुत सारे लोग जो है वो जिनके पास टाइम नहीं होता, तो वहाँ पर IBIS जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है, बट इसमें नहीं है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर आप शूट कर सकते हो 4K 60p तक, 10 बिट के अंदर आप आसानी से फुटेज निकाल पाओगे। तो अभी आप जो फुटेज देख रहे हो वो 4K 50p के ऊपर मैं शूट कर रहा हूँ, और उसे हमने शूट किया यहाँ पे C-Log3 पे। तो आप कलर ग्रेडेड इस वक्त फुटेज आप देख पा रहे हो। आपको ये फुटेज कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके आप नीचे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको ये फुटेज पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। मैंने जो भी टेस्ट शॉट इसके लिए थे फुटेज के, मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। सो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप एक व्लॉगर हैं, काफ़ी सारा वीडियो कंटेंट बनाते हैं, और आपका बजट थोड़ा सा एक इतना ही है कि आपको बहुत 2-2.5 लाख रुपए की कैमराज में खर्चा नहीं करना है, तो वहाँ पर ये कैमरा जो है थोड़ा सा फिट बैठता है फोटोज़ एंड वीडियोस दोनों के लिए, यानी कि इसमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अच्छी कर पाओगे, वीडियो फुटेज आप देख ही पा रहे हो। और मैं ये बता दूँ, ये जो लेंस है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ 85mm का F2 मैक्रो लेंस है कैनन का, वो यूज़ कर रहा हूँ, जिसपे फुटेज आप देख पा रहे हो। अच्छे लेंस यूज़ करोगे तो आपको बैकग्राउंड भी पीछे अच्छे से ब्लर कर पाओगे, आपको कलर्स भी अच्छे नज़र आएंगे, और आपकी ओवरऑल जो वीडियो एक्सपीरियंस है, जो विजुअल एक्सपीरियंस है, वो इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। चलिए करते हैं अब इसका हम लो लाइट टेस्ट, लो लाइट में किस तरह से परफॉर्म करता है, और उसका ऑटो फोकसिंग टेस्ट भी करके देखते हैं, ताकि आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरह से ये कैमरा जो है वो परफॉर्म करता है। तो मैं एक बार इनके पिक्चर लेता हूँ, ये हमारे पीछे हैं, ये एक एक्टर हैं, तो अभी बस मुझे यहाँ मिले हैं, तो कुछ पिक्चर्स इनकी हम लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं पिक्चर्स ले रहा हूँ, जो ऑटो फोकस है दोस्तों आप देख पा रहे हो बहुत ही तेज़ी से लॉक हो रहा है, इसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस 2 है, जो बहुत ही क्विक और बहुत ही क्वाइट है, फटाक से जो है देखिए फोकस इस तरह से लॉक हो गया। तो अब बात करते हैं इसके कुछ और माइनस पॉइंट्स की जो मुझे ठीक नहीं लगे, वो है दोस्तों एक तो इसकी जो बैटरी की परफॉर्मेंस है, अप टू 290 शॉट्स आप एक फुल चार्ज में निकाल सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी कम लगा 2023 में और इस प्राइस पॉइंट के ऊपर। सो बैटरी आपको इसमें 2-3 आपको खरीदनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर आपको मिल रहा है सिंगल कार्ड स्लॉट, अब ये एक तरह का माइनस पॉइंट भी है और इसे मैं कह सकता हूँ प्लस पॉइंट भी है। अगर आप मेरे जैसे फोटोग्राफर हो जो ज़्यादातर कंट्रोल सिचुएशन में काम करते हैं, लाइक वी डू फैशन फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोशूट्स, और अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने लाइटिंग के हिसाब से, अपने स्टूडियो के अंदर आराम से काम करते हैं, तो भाई ये सिंगल कार्ड स्लॉट भी लेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं, आप इवेंट फोटोग्राफी करते हैं, और आपका काम, आपकी जो फ़ोटोज़ है वो काफ़ी प्रीशियस है, तो कई बार अगर एक कार्ड फेल हो गया तो वो थोड़ा सा एक डेंजरस मामला हो सकता है। हालांकि ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं जब कार्ड फेल होता है, बट यू नेवर नो कब ऐसी चीज़ हो जाए। तो ओवरऑल मुद्दे की बात यह कि आपको इसमें एक ही कार्ड स्लॉट मिल रहा है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये कैमरा एक्चुअल में किसके लिए है, तो मेरी ओपिनियन जो है इस कैमरा के बारे में वो यही रहेगी कि यार ये कैमरा तो बहुत ही अच्छा है, जैसा मैंने आपको बताया, आपको कैनन R6 Mark II वाला सेम सेंसर इसके अंदर मिल रहा है, ऑटो फोकस पॉइंट्स जो हैं वो भी आपको एग्जैक्टली वही मिल रहे हैं, ऑटो फोकस इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है डुअल पिक्सल ऑटो फोकस 2 इसके अंदर आपको मिल रहा है, ब्रिलियंट ऑटो फोकसिंग सिस्टम है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल रही हैं। तो आपका जहाँ तक इमेज क्वालिटी का सवाल है, तो आपको इसमें इमेज क्वालिटी बिल्कुल आपको कैनन R6 Mark II जैसी ही मिलने वाली है। सो ये कैमरा मैं उन लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा, उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अगर आपको एक ऐसा, आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं, आप बहुत आसानी से आराम से अपनी सिचुएशन के, अपने प्लान के हिसाब से शूट करते हैं, तो ये कैमरा बिल्कुल भी बुरा नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो एक कैमरा के अंदर होनी चाहिए। फुल फ्रेम कैमरा बॉडी है, लो लाइट कैपेबिलिटीज़ इसमें अच्छी हैं, ऑटो फोकसिंग कैपेबिलिटीज़ इसमें अच्छी हैं, वीडियो कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर आपको अच्छी मिल रही हैं,
अर्गोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है, बट इतना बुरा नहीं है, एवरेज ही है। और ओवरऑल अगर आपको कीमत के बारे में आपका क्या ख्याल है वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मैंने बात किया था कैनन स्टोर जहाँ जिन्होंने मुझे कैमरा दिया है, उन्होंने थैंक्स बोलना भूल गया, कैनन इमेज स्क्वायर मीरा रोड मीरा बाइंदर रोड पे उनका आउटलेट है, वहाँ पर आप मैंने उनका लिंक लगा दिया डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आप उन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उन्होंने जो इसका मुझे प्राइस बताया था वो था 1,32,000 ओनली बॉडी एंड विद लेंस के साथ में जो है वो आपको उसके जो भी प्राइस आते हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा। मेरा जो सजेशन है वो ये रहेगा कि अगर आप इस कैमरा बॉडी को लेना चाहते हो तो भाई इसमें एक पोर्ट्रेट एज अ पोर्ट्रेट फोटोग्राफर 50mm 85mm 35mm 135mm के लेंसेज आप यूज़ करिए तो ये कैमरा बिल्कुल आपको कैनन R6 Mark II या उसके ऊपर के जो कैमराज आ रहे हैं उसकी तरह ही परफॉर्मेंस देगा। सो परफॉर्मेंस इज सुपर्ब, बाकी की चीज़ें एज इट इज़ हैं आपके सामने। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।